उलझन भरे इस जीवन में बड़ा वक्त इसी उधेड़ मुन में गुजर रहा है कि कौन सा रास्ता सही है जो मंजिल तक पहुंचाएगा। क्या करे कहा जाए के बीच वक्त और उम्र पीछे छूटते जाते हैं पर सही दिशा बोध नहीं हो पाता। ऐसे समय में खासकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के समग्र मार्गदर्शन के लिए राजस्थान पत्रिका लेकर आया है खास मुहिम दिशा बोध, जहां पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी ने करियर धर्म सहित कई अन्य विषयों पर संबोधित किया। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास सेगमेंट दिशा बोध। तो आइए आज इस सेगमेंट में आपको सीधे लेकर चलते हैं पाली जिले में, जहां दिशा बोध कार्यक्रम में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी सेंट्रल अकेडमी स्कूल में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से रूबरू हुए और साथ ही उनकी जिज्ञासाओं के भी जवाब दिए। तो आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं पाली। ठीक है सर, पर पानी तो नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें वो कैसे अडॉप्ट करेगा सर? पानी तो नॉन लिविंग थिंग है, पानी को लिव नहीं है हमारे जिंदगी में। पानी किसी भी कीमत पे काम कर सकते हो लेबोरेटरी में, उसमें कितने जीवाणु मिलेंगे आपको वैसे दिख जाएगा। पानी निर्जीव अगर होगा तो पेड़ में पानी दोगे तो पानी उससे बड़ा कैसे हो जाएगा? पेड़ में पानी खराब होगा अगर निर्जीव है तो खराब नहीं हो सकता, खराब होते उसको पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे। वो खराब इसलिए होगा तो निर्जीव नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी चीज निर्जीव नहीं मानी जाती, वेद में ध्यान रखना। ये माइक भी हमारे यहाँ निर्जीव नहीं माना जाता, समझो। शास्त्रों में अभी क्योंकि मैंने बहुत चीजें इसलिए नहीं की कि तुम्हारे लिए बड़ी होगी। आत्मा को हम कहते हैं तीन चीजों से बनता है, जिसमें मन होता है, प्राण होते हैं और जिसमें मैटर यानी पदार्थ, तीन चीज से मिलकर आत्मा बनता है, उसी को हम जीव कहते हैं। इस ये लोहे का जो डंडा है इसमें भी मन प्राण आत्मा और पदार्थ है, जंग नहीं लग सकता। क्यों लगा? क्योंकि उसमें जीव है, वो निर्जीव नहीं है, पर उसकी गति कम है। उसमें लोहे में जंग हमारे परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। तो आप देखो सोने में भी जंग लगती है, अल्यूमिनियम में भी जंग लगती है, कॉपर में भी जंग लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि उसमें क्रिया चल रही है, जहाँ क्रिया है वहाँ जीव है, वो निर्जीव है। आपने बोला कि कृष्ण भगवान के पाँव में छाला हो गया था सर, रुक्मणी ने तो राधा के ऊपर गरम गरम दूध गिराया था, तो कृष्ण के पाँव में छाला कैसे हो गया? यही हम अलग नहीं है, उस धरातल पर जब पहुंच के सोचते हैं तो हम अलग नहीं है। और दूध कहाँ गिराया नहीं था, राधा को पिलाया था, राधा के पेट में गया था, अंदर गया था। और कृष्ण कह रहे हैं कि राधा के हृदय में मेरे चरण रहते हैं, वो दूध उनके चरणों में गिरा। ये भक्ति की पराकाष्ठा के उदाहरण है कि मन की शक्ति कितनी बड़ी है, हम उस शक्ति से अपने आप को ईश्वर के समकक्ष बना सकते हैं। नरसिंह नारायण बनने का जो लक्ष्य शास्त्रों में दिया है, ये उस तरह के उदाहरण है कि हम कितने चिंतन के साथ अपने आप पर नियंत्रण करते हुए, मन वचन काया को समझते हुए अपने मार्ग को कहाँ तक, किस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अगर आप इस देश को नहीं विश्व को सुधार सकते हैं, आपकी लेख में बहुत ताकत है, तो सरकार को थोड़ा इतना सा कह दीजिए, आपकी एक घंटे का बच्चों को संस्कार भी नहीं दिया जाए स्कूलों में, तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये संस्कार जो कमी आ रही है इस वक्त में, बच्चों के अंदर बहुत बड़ी संस्कार की कमी है। खाली वो पुस्तकें पढ़ करके इकट्ठी कर लेते हैं मगर संस्कार नाम की उनके पास चीज नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपकी लेखनी के माध्यम से एक घंटा सरकार को ये बोले कि अपनी किस्त के अलावा एक घंटा संस्कार के लिए स्कूलों में दिया जाए, तो मैं समझता हूँ बच्चों का और हमारा सबका भविष्य सुधर जाएगा। बड़े बड़े न्यायाधीशों की और शिक्षाविदों की कमेटियां बन गई, रिपोर्टें आ गई, धूल खा रही है। अगर संस्कार देने हैं तो
हमें ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखें, हम संकल्प करें कि दुनिया दे नहीं दे, मैं अपने बच्चों को संस्कारित करूंगा करूंगी तो भी मेरा काम, मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा, इतना ही कह सकता हूँ।